हमारे चैनल पर आपका फिर से। हम आपके लिए आज जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम बताने वाले हैं कि जो चांदी की मूर्तियां या चांदी के सिक्के आपके रखे रखे काले हो जाते हैं उनको हम कैसे साफ़ कर सकते हैं, चांदी के पायल बिछिए जो भी हमको साफ़ करने हैं उनको हम कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमने लिया है ये कोलगेट एक पेस्ट जो कि वाइट कलर का पेस्ट है। इस पेस्ट को हम जहाँ जहाँ से साफ़ करना चाहते हैं वहाँ वहाँ हम लगा देंगे इस तरह से। देखिए इसमें चाहे कोई आपके पास पुराना पेस्ट बचा हुआ है, एक्सपायरी डेट का है या आपके उपयोग में नहीं आ रहा है तो उसको काट करके जो लास्ट में बचता है उसको भी अपन यहाँ उपयोग में ले सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने इस पूरी मूर्ति पर इस पेस्ट को इस तरह से लगाया है और हल्का सा पानी का छींटा देकर बार बार में इसको थोड़ी देर रगड़ना है और लगे रहने देना है। पहले हम लगा देते हैं इसी तरह से, इस पर भी लगा देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से आप सावधानी पूर्वक इस पेस्ट को यहाँ लगा देंगे। इसी तरह से हम सिक्के पर भी लगा देते हैं। अब हम चाहें तो इन मूर्तियों को एक टूथब्रश छोटा सा लेकर के उससे हम मलमल के रगड़ सकते हैं या फिर अपने हाथ से ही या फिर किसी सॉफ्ट कपड़े से भी इसको हल्का हल्का पानी लगा करके इसको रगड़ेंगे और देखते हैं कुछ ही देर में इसकी चमक बिल्कुल शानदार नई जैसी हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा पानी लगा के हम इसको इस तरह से रगड़ लेंगे। आप चाहें तो किसी ब्रश से हल्की फुल्की छोटी सी ब्रश से भी रगड़ सकते हैं। रगड़ के इनको मूर्तियों को भी हमने देखी किस तरह से रगड़ लिया है। अब हम इनको नल के नीचे साफ पानी से धो लेंगे। देखिए हमारी मूर्ति एकदम चमकदार नई चांदी की साफ हो गई है और इसकी चमक देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और देखिए इसको अच्छी तरह से धो के और फिर साफ कपड़े से इसको पानी में इसको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। और नल के नीचे धो लेंगे। ये हमारी मूर्ति बिल्कुल साफ हो गई है। इसको भी हम साफ कपड़े से अच्छी तरह से रगड़ के पोंछ लेंगे और पानी में धो लेंगे, साफ पानी से धो लेंगे। ये देखिए हमारा जो पुराना सिक्का है ये किस तरह से एकदम चमकदार हो गया है। इसी तरह ये चांदी का जो छोटा सा एक लोटा है इसको भी मैंने पेस्ट लगा के रगड़ लिया है। इसको भी हम साफ पानी से धो लेंगे। ये देखिए इसकी चमक बिल्कुल नई चांदी जैसी, जैसे आज ही खरीद कर लाए इस तरह की हो गई है। तो
तो इस तरह से हम चांदी के किसी भी बर्तन को, अपने ज्वेलरी को यानी कि पायल चूड़ियाँ आदि को, या मूर्तियों को हम पेस्ट के द्वारा, कोलगेट वाइट पेस्ट के द्वारा अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी पूजन सामग्री के लिए तैयार है। तो आप भी इसी तरह से इन मूर्तियों को या अन्य किसी चांदी की वस्तुओं को साफ कर सकते हैं। अन्य टिप्स के लिए देखते रहिए हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को। धन्यवाद।